हेलो दोस्त, कैसे हैं? चलिए, हमारे एजुकेशन चैनल द एजुकेशन मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑर्डर, ठीक है। कल की कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, चलिए एक मिनट बिल्कुल समय ना लेते हुए आपको मैं रिवाइज कर लेता हूं। देखिए, कल मैंने बताया था आपको कि नंबर में ए का रैंक कितना होता है, बी का कितना होता है, सी का कितना होता है। दोस्तों, एक चीज ध्यान से बिल्कुल बैठा लीजिए अपने दिमाग में कि जो सिपाही की भर्ती आने वाली है, यहाँ 37 क्वेश्चन 74 नंबर की रीजनिंग आने वाले हैं। ऐसे में एक महत्वपूर्ण भूमिका रीजनिंग निभा सकता है। इस वजह से बिल्कुल आप हमारे साथ बिल्कुल शांति से पेन पेंसिल कलम या रफ लेकर बिल्कुल बैठ जाइए और इत्मीनान से जो चीजें बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिए और उसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। देखिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि 90% चीजें तो आपका यहीं कवर हो जाएगा क्लास में, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, कल की कक्षा में क्या हुआ था, मैंने बताया था ए का कितना होता है, एक होता है, मैंने सी का 3 बताया था और ये भी बताया था कि आपको ई तक तो याद करने की जरूरत है नहीं क्योंकि आप बचपन में ही याद हो गया होगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने डी का 4 बताया था, यस का मैंने 19 बताया था, डब्ल्यू का 23 बताया था, क्यू का 17 बताया था, पी का 16 बताया था, ठीक है, जे का 10 बताया था। तो कहीं ना कहीं अगर यहां कोई दिक्कत होगी तो बताना, मैं उसको फिर से एक बार रिवाइज कर दूंगा, ठीक। लेकिन चलिए, आज हम अपोजिट बता रहे हैं, इन्हीं लेटरों का अपोजिट लेटर बता रहे हैं। जैसे ए, अगर देखिएगा, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो ए का रैंक फर्स्ट होता है और जेड का रैंक कितना होता है, 26 होता है, ठीक। अब अपोजिट बताने का तात्पर्य यह है कि अगर पहले पे, अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो ए पहले पे है, अगर हम राइट से लेफ्ट जाए तो जेड पहले पे हो जाएगा। बात समझ रहे हैं हमारी कि अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट पे पहला लेटर कौन सा है, ये, और बिल्कुल राइट में कौन है, जेड है, तो इसका पहला है ये 26 है। इसी प्रकार अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएं तो ये पहले पे होगा और ये कितने पे होगा, 26 पे होगा, ठीक। तो इसी प्रकार दोस्तों, ये क्लास आज बिल्कुल अपोजिट पे आधारित होगी। तो चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिएगा, ए, तो ए का अपोजिट लेटर होता है जेड, ठीक है, बिल्कुल समझ रहे ना, ये पहले पे है और ये 26वें पे है, अगर ये पहले पे होगा तो ये 26वें पे होगा। इसी प्रकार ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, ठीक है। अब याद कैसे करेंगे, तो याद करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं भैया ए टू जेड, ए टू जेड कहते नहीं, क्या चाहिए, ए टू जेड चाहिए, सारी चीज चाहिए हमें। या बच्चों को जब हम कभी आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आ गए कि हमें थोड़ा कुछ दे दीजिए, हम कुछ लिख पढ़ लें, तो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, ए टू जेड तुम लिख के दिखाओ, ए टू जेड लिख के दिखाओ, यानी ए से कितना हो गया, जेड तक, बिल्कुल याद हो गया होगा आपका। अगर देखिएगा बी का क्या होता है, वाई होता है। अब इसको याद रखने के लिए क्या रखेंगे, बॉय, बॉय मतलब लड़का होता है। अगर यहां से भी नहीं याद हो रहा तो चलिए बाय बाय कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बाय बाय, तो बी का अपोजिट क्या हो गया, वाई हो गया, ठीक। कहीं कोई दिक्कत होगी तुरंत बताइएगा। सी का कितना होता है, सी का कितना होता है, एक्स होता है। अगर देखा जाए लेफ्ट से सी तीसरे स्थान पे है, इसी प्रकार राइट से एक्स तीसरे स्थान पे है, ठीक, तो सी का कितना हो गया, एक्स, ठीक। तो सी का एक्स याद करने के लिए आपको एक नमकीन की पैकेट आती है जो 5 रुपए से शुरू होकर 50 रुपए तक जाती है, नाम क्या है उस नमकीन का, क्रैक्स। अच्छा, एक क्रैक्स एमहा गाड़ी भी है, तो सी आर ए एक्स, तो सी क्रैक्स से याद रखिएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है। कैसे याद रखेंगे, तो याद रखने के लिए आपको ड्यू से याद रखिए, ड्यू से, तो डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू। अब ड्यू क्या है, सबको पता है, ये कोल्ड ड्रिंक है और प्रचार कौन कर रहा है, कभी सलमान खान करते हैं, कभी रणबीर कपूर करते हैं, कभी अक्षय कुमार करते हैं, ठीक। अब ड्यू में आप लोग एक चीज लिख देखे होंगे, हिंदी में लिखा रहता है माउंटेन ड्यू जो है उसमें लिखा रहता है डर के आगे जी, ठीक है। देखते हैं बड़े बड़े पहाड़ों से वो बाइक से नीचे आता है और डी पी के अपनी प्यास बुझा लेता है, तो उसमें लिखा रहता है डर के आगे जी, तो डी का अपोजिट क्या हो गया, डब्ल्यू, ड्यू। अच्छा, आगे चलते हैं, ठीक है।
ई का अपोजिट क्या होगा, तो ई का अपोजिट होगा वी। ठीक, तो याद कैसे रखेंगे आप, तो ई का अपोजिट होता है भी, तो याद रखने के लिए आप लोग देखेंगे कि ई का भी यानी इवनिंग से भी याद रख सकते हो, इवनिंग वॉक। ठीक है, यानी शाम के समय घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। अगर आप यहां से भी आपको दिक्कत हो रही है, तो आजकल सबसे ज्यादा प्रचलन क्या है, ई व्हीकल यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कार आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आ रही है, अब इलेक्ट्रॉनिक साइकिल भी आ सकती है, तो ई से याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। ठीक है ना, चलिए हाँ मैं लिख रहा हूं ई, इवनिंग याद रखिए या व्हीकल याद रखिए। ठीक है ना, तो ई का अपोजिट क्या हो गया, वी हो गया। अच्छा, एफ का चलते हैं, तो एफ का अपोजिट हो गया यू। ठीक, अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो फ्यू कहते नहीं, फ्यू अ फ्यू टाइम, ठीक थोड़े समय बाद तुरंत हम आ रहे हैं। या अगर नहीं याद हो रहा है, तो एक आपको डायरेक्टर फिल्म डायरेक्टर होंगे, उनका नाम है अनिल, जिनकी जो है अभी हाल ही में गदर 2 रिलीज होने वाली, अनिल कुमार शर्मा इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो इन्हीं की एक मूवी आई थी, उसका नाम था ये, सॉरी अनिल कुमार नहीं, इसके राम गोपाल का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इनकी क्या है, फूंग है। ठीक है, तो वहां से भी लोग याद रखते हैं, एफ का अपोजिट क्या हो गया, यू हो गया। ठीक है, फूंग या इवनिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ये इसका हो गया, तो ई का क्या, एफ का क्या हो गया, यू हो गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। एफ का अपोजिट क्या हो गया, यू हो गया। ठीक है, फूंक या फ्यू। ठीक, अच्छा जी का देखिएगा, तो जी का होता है टी, जी का क्या होता है, टी होता है। कैसे याद रखोगे, चलिए यहां लिख दे रहे हैं, बिल्कुल दिख रहा है ना, जी का टी होता है, और लोग कहते हैं जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। किसने बनवाया था, ये जीके का क्वेश्चन भी आपको मिल गया, शेरशाह सूरी। ठीक है ना, तो जीटी रोड किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक, तो जीटी रोड से याद रखिएगा। ठीक, तो जी का अपोजिट क्या हो गया, टी हो गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, बिल्कुल इसको रफ कर रहे हैं, जी का अपोजिट हो गया टी, यानी हम याद रख सकते हैं जीटी रोड से। ठीक है, जी के बाद देखिएगा, यहां लिख रहा हूं एच, तो एच का अपोजिट क्या हो गया, एस। याद रखने के लिए कैसे याद रखोगे, हाई स्कूल, तो सबको पता होगा एच एस यानी हायर सेकेंडरी भी कर सकते हो, या हाई स्कूल, या हाई स्कूल। ठीक है, तो एच का अपोजिट क्या हो गया, यस हो गया। एच के बाद क्या हो गया, आई, तो आई का अपोजिट क्या हो गया, आर। याद कैसे रखोगे, सबको पता है इंडियन रेलवे, भारतीय रेल। ठीक है, अब तो वंदे भारत भी चल रहा है, तो आई एन डी आई ए एन, इंडियन रेलवे। ठीक है ना, तो इंडियन रेलवे से याद रखिएगा। ठीक, तो आई का अपोजिट क्या हो गया, आर हो गया। आई के बाद जे, ठीक है, तो जे का अपोजिट क्या हो गया, क्यू हो गया। ठीक है, तो जे का अपोजिट क्या होगा, क्यू हो गया। कैसे याद रखोगे, तो जैक स्कैलिस एक साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर थे, तो उनके नाम से आप रख सकते हो जैक स्कैलिस, या अगर नहीं आपको है तब भी आप लग सकते हो झक्कास क्वीन। ठीक है, रानी हमेशा झक्कास ही होती है, तो यहां से भी आप याद रख सकते हो। स्पेलिंग मैटर नहीं रखती है, आपको बस याद रखना होना होगा। ठीक है, तो झक्कास क्वीन भी याद रख सकते हो। ठीक है, जैक स्कैलिस भी याद रख सकते हो। अच्छा चलिए, जे का हो गया, क्या हो गया, क्यू हो गया। ठीक, जे के बाद क्या आएगा, के। चलिए यहां मैं लिख रहा हूं, के का अपोजिट क्या हो गया, पी। ठीक है, एक मार्केट में है केपी सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, या केपी चंद्रा की रीजनिंग की किताब आती है। ठीक, या और आसान तरीका है कमला हसन, कमला पसंद। ठीक है, कमला पसंद केपी क्या है, एक गुटका है। ठीक, तो आप किसी भी दुकान पे जाइए, बोलिए भैया एक केपी दे दीजिएगा, तो पूछेगा छोटा या बड़ा। ठीक, तो के का अपोजिट क्या हो गया, पी हो गया। ठीक, इसके बाद यल का अपोजिट यहां मैं लिख दे रहा हूं, यल का अपोजिट ओ होगा, और इसके लिए बस इतना करो कि मान लो। ठीक है ना, तो एल का अपोजिट ओ होता है लो, लो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, एम। ठीक, तो एम का रैंक क्या होगा, यन।
तो एम कैसे याद रखोगे, मन, मन हमेशा शांत रखना चाहिए। लोग कहते हैं कि मन को हमेशा शांत रखिए। अगर इससे भी नहीं आपको याद हो रहा है तो आपको पता होगा एक आमिर खान की मूवी आई थी, बहुत अच्छी मूवी है, देखे होंगे आप, कई बार देखे होंगे, उस मूवी का नाम है मन, ठीक है ना। तो मन, अच्छा तो मन में क्या, मान लो, मन से क्या कर लो, मान लो, या बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत होगी बताइए। चलिए एक बार फिर से, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, फूंक, ठीक है, जी का टी, के का पी, एम का एन, एच का एस, आई का आर और जे का क्यू, ठीक। यहां देखिएगा एल का ओ और एम का अपोजिट क्या होता है, यन, मन। तो कहीं कोई दिक्कत होगी हमारे कमेंट सेशन में जाइएगा, आप टाइप करके बताइएगा चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।